बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन चल रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे, तो वहाँ पे पहला लेक्चर पढ़ा अपन ने, फैराडे के नियम और वो पढ़ा, और विद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ा, और दूसरे लेक्चर में अपन ने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है। और जो भी अपने सेल हो रहा था विद्युत अपघटन में, ठीक है, कि कितना पदार्थ जा रहा था, कितना पदार्थ वो रोड पर इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो रहा था या किस तरह उससे निकल रहा था, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। तो उसका गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण किया, ठीक है। उसके बारे में अपन ने, उसके बाद अपन ने गैल्वेनिक सेल के बारे में देखा, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ के फिर अपन लवण सेतु जो गैल्वेनिक सेल के अंदर आता था उसके बारे में देखा थोड़ा, ठीक है। अब अपन आते हैं कि गैल्वेनिक सेल तो हो चुका है, ठीक है। अब जो गैल्वेनिक सेल जो था उससे किसी किसी इलेक्ट्रोड को, अब जो इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, किसको एनोड लें, किसको कैथोड लें, ये अपने को तो नहीं पता। अपन ऐसे तो कैसे डिसाइड कर रहे हैं भाई, कहाँ इसको एनोड ले लिया, इसको कैथोड ले लिया, किसको क्या लिया जाए, कौन कैसे रिएक्टिविटी करेगा, ठीक है, कौन किसका कितना रिएक्ट करेगा, कौन कितना सक्रिय है, ठीक है, किस प्रकार से अभिक्रियाएं करेगा, तो वो उसका सारा अध्ययन करने के लिए अपन आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उससे पहले थोड़ा वो जानना जरूरी है अपने इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इलेक्ट्रोड विभव को या सेल का विभव कह दो भाई, इलेक्ट्रोड भी क्या है, सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव, और अगर अकेले इलेक्ट्रोड से सेल बना हुआ तो वो उसका सेल विभव हो जाएगा, या दो इलेक्ट्रोड से सेल बना है तो वो दोनों, जो दोनों का सेल विभव जो होगा इलेक्ट्रोड विभव, उससे सेल विभव निकलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव, अब इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, तो क्या है, जब अपना धात्विक कंटेनर है, ठीक है, अब कंटेनर में अपन अगर उसी धातु को रख दें, जैसे धातु कॉपर का धातु लिया, कॉपर की रोड ली, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दिया, तो ये जैसे ही अपन रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उनके बीच में सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में ये जो धात्विक छड़ है उस पर कुछ ना कुछ आवेश आएगा, या तो धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा, ठीक है। तो एक प्रकार का आवेश पृथक्करण हो जाएगा भाई, छड़ पर अलग आवेश है और विलयन पर अलग आवेश है। अब जो आवेश पृथक्करण हो रहा है तो उसके कारण एक विभव में अंतर उत्पन्न होगा, जिसे विभवांतर कहेंगे, ठीक है। तो वो जो विभव में अंतर होता है वही अपना क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव। वो विभव में अंतर क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। और इन्हीं इसी इलेक्ट्रोड विभव को मानक कंडीशन में लिया जाए, मानक मतलब मोलरता एक मोलर होनी चाहिए, ठीक है, सांद्रता और दाब एक एटीएम या एक बार लेते हैं स्टैंडर्ड में अभी फिलहाल में, और 298 केल्विन ताप, ये मानक परिस्थितियाँ हैं। अगर इन परिस्थितियों में अपन इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, विभव निकालते हैं, तो वो कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसको ई नॉट सेल से, ई नॉट सेल है, ई नॉट इलेक्ट्रोड से दर्शाएंगे, ठीक है। तो ई नॉट तो हो जाएगा मानक, और नॉर्मल वाला ये हो जाएगा ई इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो भाई जो आवेश पृथक्करण के कारण जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं अपन, सेल विभव, ठीक है। अब ये जो सेल विभव है वो एक तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है, भाई इलेक्ट्रोड किस प्रकृति का है, अक्रिय है, सक्रिय है, कैसा है, ठीक है। और एक टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ताप बढ़ाने या घटाने पर क्या फ़र्क पड़ता है, और डिपेंड करेगा कि जो भी अपना आयन है, विलयन जो है, उसमें कौन से आयन उपस्थित है, उसकी सांद्रता, भाई कितने आयन उपस्थित है, भाई सांद्रता का मतलब यही तो हुआ, अपन मात्रा ही तो देख रहे हैं, ठीक है, भाई आयन कितने उपस्थित है उनकी संख्या पर निर्भर करेगा। ये अपन आगे देखेंगे भी सारे, भाई सबके डेरिवेशन करके देखेंगे भाई किस प्रकार से ये निर्भर करता है, ठीक है। अब अपना जो इलेक्ट्रोड विभव है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अपचयन विभव। रेडॉक्स अभिक्रिया चल रही है अपने सारे, ठीक है, तो एक ऑक्सीकरण और दूसरा अपने यहाँ भी क्या जाएगा, अपचयन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ऑक्सीकरण विभव जो है, अब वो ऑक्सीकरण विभव किसके कारण होगा, ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है ना, ऑक्सीकरण विभव किसके लिए होगा, ऑक्सीकरण के कारण, और अपचयन विभव अपचयन के कारण होगा, ठीक है। ऑक्सीकरण किसका होगा, धातु का, ऑक्सीकरण किसका होता है, धातु का, होगा धातु एम जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना देगा, एम प्लस बनाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है। और अपचयन मतलब धात्विक आयन का जो एम प्लस में ऑलरेडी है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, धातु तो ग्रहण करेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो माना क्या है कि भाई जैसे ये रोड डाली, मेटल है, ठीक है, माना मेटल एम है, इसकी रोड रख दी इसके विलयन में, ठीक है, तो विलयन में है मतलब एम प्लस आयन इसमें विलयन में पड़े हैं, ठीक है, भाई किसी का जलीय विलयन है तो एम प्लस आयन तो उसमें होंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एम इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बना देगा, एम प्लस एन आयन,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेटल से क्या हो रहा है, मेटल प्लस आयन, ठीक है भाई, धातु कम हो रहा है, धातु क्या हो रही है, कम हो रहा है, तो इस जो ये जो रोड है थोड़ी देर बाद देखोगे तो इसका भार क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि मेटल जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, उसके आयनों में परिवर्तित हो रहा है, और अगर आयनों में परिवर्तित होगा भार इसका क्या होगा, शुद्ध धातु तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये इस प्रकार से चार्ज क्या हो जाएगा, सेपरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है, पॉजिटिव ये बाहर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन इसकी इसी के पास पड़े हैं, तो अंदर तो क्या हो जाएंगे माइनस, और बाहर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो ये जो चार्ज सेपरेशन आया भाई, आवेश पृथक हुआ यहाँ पे, ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस, तो ये क्या हुआ, इसलिए किसके कारण क्या हुआ, एक विभव अंतर हुआ, ठीक है, एक वोल्टेज में डिफरेंस उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसी को अपन कहते हैं ऑक्सीकरण विभव, कह देंगे भाई ऑक्सीकरण के कारण हुआ तो, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव ही कहते हैं भाई, ऑक्सीकरण के कारण हुआ तो ऑक्सीकरण विभव, और यही प्रोसेस अगर अपचयन के कारण होता तो क्या हो जाता, अपचयन विभव, ये क्या होगा, धात्विक आयन के अपचयन के कारण, ये धात्विक आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और क्या बना दिया, धातु, क्या बना दिया, धातु, तो अब यहाँ पे देखोगे इस प्रक्रम में इस जो छड़ जो था धात्विक छड़, वो उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आयनों से क्या बन रहा है, शुद्ध धातु बन रहा है, ठीक है, धातु बन रहा है तो इसका भार क्या कर रहा है, कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन, ठीक है। तो अपन कहीं कहीं ऑक्सीकरण विभव जो है वहाँ पे एनोड विभव, ठीक है, कैथोड का विभव, भाई कैथोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है उसका विभव क्या है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीकरण और अपचयन विभव जो है ये आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, उल्टे। अगर देखा जाए तो कि भाई जैसे कि किसी का ऑक्सीकरण विभव प्लस एक्स है, तो उसका अपचयन विभव जो होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स, मैथमेटिकल वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना, कभी भी परिवर्तित नहीं होगी। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में केवल किसका फर्क होगा, नेगेटिव का, ठीक है, जो मान है गणितीय मान तो सेम रहेगा, एक्स है तो एक्स ही रहेगा, बस साइन का अंतर आ जाएगा, ठीक है, एक प्लस होगा दूसरा अपने आप ही माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक बढ़ेगा दूसरा कटेगा, ठीक है। तो ये जो सेल विभव है वो होता है कैथोड और एनोड जो है उन पे, उनका कुछ सेल विभव होगा, कुछ अभिक्रिया होगी उसके कारण सेल विभव उसका होगा, ठीक है, तो उनका सेल विभव का होता है अंतर, क्या होता है, अंतर, और इसे विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल भी कहते हैं, भाई सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ भी कहते हैं इसको, सेल विभव को, ठीक है। तो ये क्या होगा, सेल कैथोड का सेल विभव माइनस एनोड का, और ये जो सेल विभव लेंगे अपन, ये लेंगे अपन अपचयन विभव, क्या लेंगे, अपचयन विभव, रिडक्शन आर पी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, आर पी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव, ठीक है। तो अपचयन विभव कैथोड का माइनस अपचयन विभव एनोड का, इसके मैं तीनों फॉर्मूले लिख सकता हूँ भाई, एक का एनोड लिया जाए, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया जाए तो भी क्या फॉर्मूला बनेगा, लेकिन वो आपको कन्फ्यूज ही करेगा, ठीक है। तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कैथोड माइनस एनोड, और पूरे पाठ में अपन एक ही चीज़ को लेकर चलेंगे, एसआरपी, भाई रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव को ही लेकर चलेंगे, ऑक्सीकरण विभव आप दोनों को लेकर चलोगे ना साथ में, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, तो एक बढ़ रहा है कब बढ़ रहा है, कौन सा बढ़ रहा है कब कौन सा घट रहा है, वहाँ आप कन्फ्यूज भी हो जाओगे, ठीक है, अगर दोनों को साथ में लेकर चलोगे तो, और अगर एक ही चीज़ लेकर चलोगे, ठीक, मैंने जरूर यहाँ पे सारी दोनों चीज़ें दर्शाऊंगा मैं यहाँ पे, तो आप कोशिश करना कि केवल एक ही लिखो, जो भी है एक, एसआरपी तो एसआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करनी भी नहीं है, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाए, ऑक्सीकरण विभव आ जाए, तो उसको अपचयन विभव आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस का साइन लगा हो गया अपचयन विभव, ठीक है। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव, और जो सेल जो है भाई, अपन ने गैल्वेनिक सेल बनाया, अब अगर उसका निरूपण करें भाई, एक लाइन में अपन लिखना चाहे कि भाई सेल में क्या क्या है, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, लेफ्ट साइड में लिखेंगे एनोड को, बीच में लवण सेतु को दर्शाएंगे डबल लाइन से, और राइट साइड में क्या लिख देंगे, कैथोड में जो अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने उदाहरण लिया कि एक जिंक का क्या ले लिया अपन ने, एनोड, और कॉपर का क्या ले लिया, कैथोड, तो एनोड का क्या होता है ऑक्सीकरण, तो जिंक से जिंक प्लस टू बनेगा, मतलब ये लाइन जो है ये दर्शारी भाई अभिक्रिया इधर जा रही है, ठीक है, इस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है आगे, ठीक है, तो जिंक से जिंक प्लस टू
ऑक्सीकरण हो रहा है, एनोड आप सेल है ये, ठीक है, बीच में ये लवण सेतु आ गया और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, तो क्या होगा, कॉपर प्लस टू से क्या बन जाएगा, कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लस टू से कॉपर। यहाँ पे अगर ये चीज़ें दी गई है, अब देखो यहाँ पे अगर इसका इस सेल का मैं विभव निकालना चाहूँ, सेल विभव, तो क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब कैथोड का मैंने ऑक्सीकरण विभव, क्या कहते हैं, अपचयन विभव लेना है दोनों का, अपने का फॉर्मूले में कैथोड माइनस एनोड है तो क्या है, दोनों का है अपचयन विभव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉपर प्लस टू से कॉपर, कैथोड तो वैसे भी अपचयन में हो रहा है, अपचयन हो रहा है इसका, तो ठीक है, इसका तो अपने सीधा ले लिया, माइनस जिंक प्लस टू से जिंक, भाई जिंक से जिंक प्लस टू क्या है, ऑक्सीकरण है, तो अपचयन क्या होगा इसका, उल्टा, इसका क्या होगा, उल्टा, तो जिंक प्लस टू से जिंक, ठीक है। तो अब आगे देखो कि जैसे कि जो अपचयन विभव जो है, जैसे सेल विभव किसी का भी है, उसको अकेले किसी का भी सेल विभव निकालना अपने लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो किसी के लिए भी पॉसिबल था ही नहीं, भाई किसी का भी, जैसे कि आपको जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, दे दिया, अब कह दे भाई इसका सेल विभव आप निकाल लो, ठीक है, वो कभी भी संभव नहीं है। तो क्या किया जाता है, जो सेल विभव जो है उसका अंतर निकाला जाता है, क्या किया जाता है, अंतर, भाई एक को कुछ, एक की कुछ मान फिक्स कर दिया और दूसरे का क्या कर देंगे, अंतर निकाल देंगे, ठीक है भाई, कुल सेल विभव आ जाएगा अपने पास, ठीक है, तो उसका अंतर निकालेंगे अपन। जैसे तो क्या किया कि साइंटिस्टों ने क्या किया, भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया, ठीक है, और उसका उसको लिया सापेक्ष में, रेफरेंस में, संदर्भ इलेक्ट्रोड लिया कि भाई हाँ इसको अपन जीरो मान लेंगे और बाकियों का अंतर निकालते धीरे धीरे अपन सभी का क्या कर देंगे, सभी तत्वों का, जो भी तत्व है, धातु व धातु, उनका इलेक्ट्रोड विभव निकाल लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजन स्ट्रक्चर लिया, भाई इस प्रकार के इलेक्ट्रोड लिया, पात्र लिया, पात्र में क्या ले लिया, एक मोलर HCl, H प्लस आयन लिया, एक मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, पूरी मानक कंडीशन ले रहे हैं अपन, एक बार दाब प्रवाहित किया H2 गैस, ठीक है, यहाँ पे लगाया एक प्लेटिनम का तार और साथ में लगा दिया प्लेटिनम का एक पेपर, ठीक है, पत्र, जो मैं पत्ता लगा दिया एक प्लेटिनम का, ठीक है, इस प्रकार का अपन ने एक सेल बनाया, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड बनाया, उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHEC, ठीक है। तो ये जो है सेल, अब इसको सेल को दर्शाने का क्या तरीका है, भाई प्लेटिनम है तार, ये प्लेटिनम, ठीक है, फिर क्या है अपने पास, हाइड्रोजन गैस और अंतिम में H प्लस आयन, ठीक है, या फिर इसको उल्टा भी दर्शा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेटिनम को हाइड्रोजन के साथ रखना है हमेशा, प्लेटिनम को कहाँ रखना है, हाइड्रोजन के साथ में, आप ऐसे भी लिख सकते थे भाई यहाँ कि ये प्लेटिनम H2 गैस और H प्लस, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो H प्लस प्लेटिनम H2, या ऐसे लिख सकते हो H प्लस प्लेटिनम और H2 गैस, ठीक है, तो किसी प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसका क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव माना, मानक इलेक्ट्रोड विभव, वो क्या माना, जीरो, और अगर जीरो मान लिया तो उसका भले अपचयन विभव लो या ऑक्सीकरण विभव लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई दोनों का क्या है मान जीरो है, भाई मैथमेटिकल वैल्यू जीरो आ गई, तो प्लस करो माइनस करो क्या फर्क पड़ा, ठीक है, तो इस अभिक्रिया को किसी भी प्रकार से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब किस पर लेते हैं अपन, वो डिपेंड करता है, एनोड पर लेते हैं तो अपने वो अभिक्रिया कौन सी लिखनी पड़ेगी, अपचय, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण वाली, और कैथोड पर ले रहे हैं तो अपचयन वाली, तो पहले तो पता नहीं होता था भाई कहाँ की जो नया वाला आने वाला है, अब नया जो तत्व साथ में लिया उसका ऑक्सीकरण विभव क्या पता नहीं क्या आएगा, वो अब उसका विभव क्या आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन को उसको एनोड पर लें या कैथोड पर लें, ठीक है, उसको बाद में डिसाइड किया भाई एक्सपेरिमेंट करके, भाई एक बार को एनोड पे लिया, एक बार कैथोड पे लिया, ठीक है, हाइड्रोजन को एक बार एनोड पे ले लिया, एक बार कैथोड पर ले लिया, तो हाँ दूसरे का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डिसाइड कैसे किया कि भाई सेल अपने आप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे सेल जिनके लिए ई सेल का जो मान था, ठीक है, वो पॉजिटिव अगर आ गया, ठीक है, अपने पीछे एक लाइन छोड़ दी, ठीक है, क्या है कि जो किसी सेल के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है कि उसका ई सेल क्या हो, पॉजिटिव। अब अंतर जो निकाल रहे हैं अपन, उसका मान क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो सेल काम कर रहा है, और नेगेटिव आया तो सेल काम नहीं कर रहा है। तो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना है, ई सेल का नेगेटिव मान आया मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक्स की है, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी ऐसा सेल आपको नहीं दे सकता जो काम ही नहीं कर रहा हो,
ठीक है ना, ऐसी अभिक्रिया वो देगा ही नहीं, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो नहीं देगा ना भाई कि हाँ ये अभिक्रिया हो रही है, तो हो रही है मतलब इस सेल का मान क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये हो रही है अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, तो पक्का वो एक्सपेरिमेंट से ही किया गया है, तो इस सेल का मान क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ई सेल से बाद अपन इसकी जो ऊष्मा गति की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये डेल्टा जी बताती है भाई अपने आप हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके साथ में रिलेशन जब बताएंगे तब पता चलेगा भाई ई सेल का मान क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए, ई सेल क्या है, पॉजिटिव, तो अपना आंसर हमेशा ई सेल का क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव कभी भी नहीं लाना, अगर आ जाए नेगेटिव तो समझो आपकी किस्मत अच्छी है, आपको दोबारा भगवान ने मौका दिया है, हैं कि उठो बेटा जागो वापिस करो इसको, ठीक है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसकी सहायता से किसी भी मान क्या कहते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड की क्या कहते हैं पोटेंशियल की गणना कर सकते हैं अपन, ठीक है। मानक सेल विभव की गणना की जा सकती है, क्योंकि इसका क्या माना अपन ने, जीरो, साइंटिस्टों ने इसका जीरो माना, ठीक है। अपन तो क्या करें, अपन ने तो खुद की उदित क्या चाहिए होता, ठीक है। और जो सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको क्या है कि या तो कैथोड पर लेंगे या एनोड पर लेंगे, वो बारी बारी ट्राई करके इस किसी भी क्या कहते हैं तत्व का इलेक्ट्रोड वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो फिक्स नहीं है भाई पहले कि एनोड पर लें या कैथोड पर ले, अपने को तो फाइनल आंसर ई जो सेल आ रहा है वो पॉजिटिव आना चाहिए। अब अगर कैथोड पर लेने से पॉजिटिव आ रहा है तो सेल काम कर रहा है, एनोड पर लेने में पॉजिटिव आ रहा है तो सेल काम कर रहा है, तो उस हिसाब से वो पहले थोड़ी पता चलता है कहाँ कि यहाँ इसको यहाँ रखा जाए तो ही काम करेगा, अब यहाँ रखा काम नहीं कर रहा है तो इधर रख लिया, ठीक है। एनोड पे रखा था पहले तो, ठीक है, फिर कहाँ ले गए अपन, कैथोड पर अगर काम नहीं किया सेल तो, ठीक है। अब देखो भाई किसी भी जैसे कि क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब अपन ने कहा कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से अपन निकाल भी सकते हैं किसी का भी सेल विभव, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि भाई सेल विभव कैसे गणना करें, भाई सेल विभव की कैसे गणना करें, तो भाई जिंक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव की गणना करना, ठीक है। तो मानक अपचयन विभव का है तो जिंक प्लस टू से क्या बनेगा, जिंक, इसकी गणना करनी है अपने, ठीक है। मानक मतलब ई नॉट, नॉट का सिंबल आया तो मतलब मानक है, परिस्थितियाँ क्या होगी, एक मोलर सांद्रता, एक बार या एटीएम दाब, ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या है कि थोड़ा सा ही अंतर होता है 101 और 100, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। आयतन भी निकाला जाए तो 22.4 और 22.7 ही आता है, बार और एटीएम इतना अंतर आता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले एटीएम ही स्टैंडर्ड में चलता था, फिर एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया, बार में ले गए, ठीक है। तो माना ये सेल है, इसमें क्या किया, जिंक को क्या ले लिया अपन ने, एनोड पर, ये सेल रिप्रेजेंट सेल दिया गया एक, ठीक है। तो ये लवण सेतु है, लेफ्ट साइड में क्या है हमेशा एनोड और राइट साइड में कैथोड, यहाँ पे ऑक्सीकरण दर्शा रहा है, एनोड का क्या होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। तो जिंक से जिंक प्लस टू, इसकी सांद्रता क्या ले ली मैंने, एक मोलर। हाइड्रोजन क्या क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, एच प्लस से एच टू, एच प्लस से एच टू, अभिक्रिया में प्लेटिनम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो एच प्लस से एच टू, इसकी सांद्रता भी क्या ले ली, एक मोलर, और एक बार क्या ले लिया, हाइड्रोजन का प्रेशर, ठीक है। तो ये अपन ने कंडीशन ली, तो कंडीशन सारी क्या है अपनी, मानक है परिस्थितियाँ, तो अपने विभव जो निकलेगा वो कौन सा होगा, मानक विभव, ठीक है। फॉर्मूला ई सेल और ई नॉट सेल दोनों का सेम ही होगा, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। अब परिस्थितियाँ क्या दी हुई है उस पर डिपेंड करता है कि क्या निकालेंगे अपन, ठीक है। आगे परिस्थितियाँ चेंज होगी तो अपने फॉर्मूला भी थोड़ा चेंज होगा, लेकिन वो ई नॉट सेल जो है मानक परिस्थितियों में कभी भी चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। लेकिन जो दूसरी वाली परिस्थिति अगर मानक नहीं दी गई हो, कंसंट्रेशन चेंज कर दे या प्रेशर चेंज कर दे, ठीक है, तब अपन आगे देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद एक नरनष्ट इक्वेशन भी आएगी, वो बताए, वो एक्चुअली ई सेल निकालना सिखाएगी कि किस प्रकार से ई सेल अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एनोड ऑफ सेल है, और ये वाला कैथोड ऑफ सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनोड पर क्या होगा, जिंक से जिंक प्लस टू, माना है इसका जो ऑक्सीकरण विभव है जिंक से जिंक प्लस टू, वो क्या है, एक्स वोल्ट पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण विभव लेंगे अपन, माना अपन ने एक्स वोल्ट है, ठीक है। तो इसका अपचयन विभव क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, माइनस एक्स, ठीक है। और हाइड्रोजन की अभिक्रिया लिखी, अपचयन 2H प्लस से H2, अपचयन हो रहा है कैथोड पर, और इसका क्या होता है,
जीरो, इसका इलेक्ट्रॉन व्यू क्या होगा? जीरो। दोनों को अभिक्रियाओं को जोड़ा, ठीक है, बिल्कुल अभिक्रिया, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन गए, ये अपनी टोटल क्या होगी? सेल रिएक्शन, ठीक है। अब इस सेल का क्या किया भाई, अपन इनोड सेल निकाले इस सेल का, ठीक है, तो क्या होगा? इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड, ठीक है। तो कैथोड क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इनोड एच प्लस से एच टू माइनस इनोड जिंक से, जिंक प्लस टू नहीं, कौन सा, जिंक प्लस टू से जिंक, क्योंकि यहाँ पे क्या लेंगे अपन, अपचयन विभव लेंगे, क्या लेंगे? अपचयन विभव, तो अपचयन विभव में यहाँ पे दिखना चाहिए अपचयन होता होगा भाई, जिंक प्लस टू से जिंक होगा, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी? कमी, तभी जाके अपना क्या होगा ये, ठीक है, अपचयन विभव कहलाएगा, वरना तो ऑक्सीकरण विभव आप अगर कर देते हो तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि वो माइनस भाई, इतना ही तो रिलेशन होता है दोनों में, ठीक है। तो इसका तो क्या है? जीरो माइनस इसका क्या, किसका आया भाई, इसका क्या है? माइनस एक्स, तो टोटल अपना क्या आया? एक्स वोल्ट। सेल का क्या आया? एक्स वोल्ट, मतलब अपन ने जो लिया है सेल वो काम तो करेगा, ठीक है भाई, जो जिंक लिया एनोड पर वो सही है, ठीक है। अगर ये मेरा एक्स माइनस आता अपचयन विभव इसका, तो मेरे को क्या करना पड़ता? जिंक को कैथोड पर लेना पड़ता और हाइड्रोजन को कहाँ लेना पड़ता? एनोड पर, ठीक है। तो और एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये जो है जिंक का जो अपचयन विभव होता है, जिंक प्लस टू से जिंक, वो होता है माइनस पॉइंट 76 वोल्ट, ठीक है। इसके बारे में अपन जस्ट इसकी नेक्स्ट स्लाइड से ही अपन पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो आपने पढ़ी है, सक्रियता श्रेणी, आपने मान वान कुछ नहीं पढ़ेगा, हाँ कि कुछ होता है, बस आपने सिर्फ ये पढ़ा कि किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, किसकी क्रियाशीलता कम होती है, और आपने भी एक ही प्रकार से पढ़ी है, जैसे कि धातुओं की ही पढ़ी है, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के, अपने यहाँ पे थोड़े बहुत अधातुओं की भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे ये डेटा एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। तो इनमें ये जो अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा जो होते हैं, जैसे इनोट सेल हो गया, वो उसका मान हमेशा आपको क्या करेगा, देगा प्रश्न में, ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा गिवन होगी, ठीक है। इनोट सेल भाई जिंक का अगर वो कह रहा है, तो यहाँ वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है भाई, जो आपको अपचयन विभव चाहिए अगर, ठीक है, तो क्या दे देगा? ऑक्सीजन विभव दे देगा, ठीक है। उसको आप परिवर्तन करना पड़ेगा आपको, परंतु आपको ये वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और जिंक और कॉपर की तो वैसे भी याद हो जाएगी, कि हर बार अपन एग्जाम्पल में क्या लेंगे, जिंक और कॉपर, ठीक है। हाइड्रोजन की वैसे भी जीरो ही होती है, ठीक है। आपको केवल क्रम याद रखना है कि हाँ कि किसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है, किसकी क्रियाशीलता कम होती है, ठीक है। तो अपनी ये विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है कि एक तो भाई आपने कहा कि क्रियाशीलता के क्रम में जमाया तत्वों को, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड अपनी जो परिभाषा है वो है कि मानक अपचयन विभव जो है, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में जमाना, ठीक है, तत्वों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में जो जमा के एक श्रेणी तैयार की गई, उसे क्या कहते हैं अपन, सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले देखो, अब अगर क्रियाशीलता की बात करें, ठीक है, तो क्या होते हैं, प्रथम जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के तत्व जो होते हैं वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, आराम से त्याग देते हैं। सबसे पहले तो सक्रियता श्रेणी में कौन आएंगे, स्टार्टिंग के दो बड़े, स्टार्टिंग के दो है, लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम, सारे क्या है, एस ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। फिर अपने एल्यूमिनियम, ठीक है, तो ये जो तत्व है इनका थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन कहाँ आता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं सारे तत्व ऐसे ही सिक्वेंस में याद होने चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो जो भी आवर्तसारणी जितने तत्व है सबका मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकाल रखे हैं, ठीक है, तो अपने तो काम के थोड़े बहुत ही होंगे, ठीक है। तो आपको जो याद है वो ध्यान रखना है कि लिथियम सबसे ऊपर है, कैल्शियम है, फिर सोडियम है, ठीक है। यहाँ से ज़्यादातर ही नहीं पूछता, इसका पूछता है, ये कहाँ है, फेरस कहाँ है, हाइड्रोजन, ठीक है, कहाँ है, और उसके बाद अपन ने पढ़ा है CHAPA, आ गया छापा, आई छापा, फ्लोरीन सबसे नीचे और CBI, ठीक है। तो हाइड्रोजन के नीचे वाले तो तत्व अपने को याद हो जाएंगे आराम से, ठीक है ना। अब झंझट बची थोड़ी ऊपर वालों की, ठीक है,
और ये चीज़ें वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो कब कब काम आएगा कि भाई जैसे कि आपको चार तत्व दे दिए, अब क्या बताओ कि इनकी SRP का बढ़ता क्रम बढ़ा बता दो, ठीक है, इनकी क्रियाशीलता बताओ, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यहीं पे वो कॉपर मरकरी सिल्वर ठीक है जिंक फेरस यहीं पे घूमता है, या फिर वो फर्स्ट फर्स्ट वाले में दे देगा। अब फर्स्ट सेकंड वाले सबसे ऊपर, ठीक है, फिर आ गए एल्यूमिनियम वाले, एल्यूमिनियम अकेला ही है जो पी ब्लॉक से आता है यहाँ पे, ठीक है ना, बाकी सारे धातु आते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम अकेला है, ठीक है, तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक फिर डी ब्लॉक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डी ब्लॉक में केवल याद रखना है कि भाई जिंक और फेरस जो है वो किधर है, जिंक ऊपर है फेरस से, ठीक है ना, तो ये जो है ऊपर से नीचे अपन जा रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये श्रेणी क्या है, कंटिन्यू है, ऐसे जा रही है नीचे, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, SRP क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई, यही तो अपन ने परिभाषा बोली है SRP के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है, मतलब मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया अपन ने, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर देखा सबसे ऊपर लिथियम है, ठीक है, और लिथियम क्या होता है कि भाई एस ब्लॉक का तत्व है, बड़ा तत्व है, ठीक है, तो ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, सबसे ज़्यादा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो है अपना लिथियम, तो इसके लिए अपचयन विभव का जो होगा वो माइनस सबसे कम होगा, SRP सबसे क्या होगी इसकी कम, सबसे कम SRP लिथियम की, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, लिथियम की SRP होती है -3.05। अब ये जो देखो, अब दो टर्म्स आती है, एक तो होता है ऑक्सीकारक और एक होता है अपचायक, ठीक है, ऑक्सीकरण की परिभाषा आपको पता है क्या होता है कि भाई जिसका जिस तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करें त्याग दे, इलेक्ट्रॉन क्या करे त्यागे, यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना, और अपने यहाँ पे एक ही परिभाषा काम आती है इलेक्ट्रॉन त्यागना और इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, Mc+2 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है त्याग रहा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब अपचयन। अब जैसे दो तत्व पड़े अपने पास, ठीक है, अपने कहा एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, उसी को तो अपने क्या कहा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना, अब जो ऑक्सीकारक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो क्या करे स्वयं का तो अपचयन करे और दूसरों का क्या करे ऑक्सीकरण, ठीक है, अब भला इंसान अपने अपन किसको कहेंगे जो क्या करे दूसरों का भला, खुद का भला करे उसको भला, भला आदमी कोई कहता है क्या, नहीं कहता है, दूसरों का भला किया, ठीक है, तो ऑक्सीकारक किसा किसे कहेंगे अपन, जो दूसरों का क्या करे ऑक्सीकरण, दूसरों का क्या करे ऑक्सीकरण, तो अपचायक किसको कहेंगे जो दूसरों का अपचयन करे, ठीक है, तो अगर दूसरों का अपचयन करेगा तो खुद का क्या होगा ऑक्सीकरण, ठीक है, तो वो तो है अपचायक, और ऑक्सीकारक कौन है जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे और खुद क्या हो जाए अपचयित हो जाए, ठीक है, खुद का अपचयन हो जाए खुद अपचयित हो जाए, ठीक है, तो लिथियम क्या कर सकता है, खुद का ऑक्सीकरण होगा लिथियम का, लिथियम से Li+2 लिथियम प्लस, ठीक है, प्लस वन होगा, ठीक है, लिथियम से लिथियम प्लस, तो ये क्या हो रहा है खुद क्या हो रहा है अब खुद क्या हो रहा है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है खुद का, तो ये क्या हुआ अपचायक हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है नहीं, खुद का भाई अगर ये खुद क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा अपचयित करेगा, तो खुद क्या हुआ अपचयन, ठीक है, अपचायक हुआ, ठीक है, तो ये शर्कर क्या कहते हैं इस श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, ठीक है, तो ये क्या होगा प्रबलतम अपचायक, सबसे अच्छा अपचायक है लिथियम, इसी प्रकार से नीचे अपन चलते हैं, ठीक है, तो आपने आया पास आया फ्लोरीन, अब फ्लोरीन क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तत्व है बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है, हाथों हाथ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है ग्रहण कर लेता है, अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब अपचयन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना मतलब अपचयन, अब इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है, इसका क्या हो रहा है अपचयन, और खुद का अपचयन हो रहा है दूसरों का क्या करेगा ऑक्सीकरण, तो ये क्या कहलाएगा ऑक्सीकारक, तो इस पूरी श्रेणी में सबसे अच्छा अपचायक कौन है लिथियम, और सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है फ्लोरीन, ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर SRP क्या करेगी बढ़ेगी, SRP क्या करेगी बढ़ रही है, ठीक है, अगर SRP बढ़ रही है तो SOP क्या करेगी घटेगी,
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव, ठीक है। तो एक ही याद रखना, केवल एसआरपी के टर्म्स ही याद रखना, ठीक है। एसओपी को तो भूल ही जाओ, मैंने लिखे हैं भली, ठीक है, ये बताने के लिए भाई दोनों आपस में उल्टे होते हैं तो एक को भूल जाओ, तो एसओपी आप भूल के ही रखना, आप कोशिश करना कि नोट्स में उतारो ही नहीं, ठीक है ना। कहीं पे डिस्कशन हो भी जाए तो कि हमको नहीं पता ये क्या होता है, ठीक है, हमको केवल इतना पता है कि एसआरपी और एसओपी क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट, बस माइनस का माइनस प्लस का फ़र्क होता है और कुछ फ़र्क नहीं होता, ठीक है। तो और यहाँ पे जो देखो बीच में कौन है अपने, हाइड्रोजन है, कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, जीरो। ऑक्सीकरण विभव क्या होता है, ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव दोनों क्या होंगे, जीरो। तो इसी को अपन ने क्या माना था, संदर्भ, इसी को रेफरेंस में लेके बाकी सबका निकाला गया भाई, रेफरेंस बुक किसे कहते हैं जिसको बीच में रखा और फिर बाकी सारे उत्तर बता रहे हैं अपन, ठीक है ना, सबका उत्तर उसको देख के बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको रेफरेंस में लिया और बाकी सबका क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल में एक बार कैथोड पे रखा, एक बार एनोड पे रखा, किसी न किसी कहीं न कहीं पे रखने पे तो आएगा, ठीक है। जब भी ई सेल पॉजिटिव आया मतलब इसका इलेक्ट्रोड विभव निकल चुका है, इसको साइड पे रखो, ठीक है, दूसरे वाले को लाओ। अब दूसरे वाले को लाया, सेट किया, ठीक है, पता चला अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव आया तो रखा, तीसरे वाले को एनोड पे रखा, पता चला नेगेटिव आ रहा है तो वापस घुमा के कहाँ रख दिया, कैथोड पर, ठीक है, तो चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद के तत्व आपको याद रखने, ठीक है, छापा और सीबीआई, ठीक है। अब देखो एसआरपी जो है, ठीक है, अब एसआरपी क्या हो रही है, अप टू डाउन बढ़ रही है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो देखो ऊपर वाला अपचायक था, अच्छा अपचायक था, नीचे वाला क्या, अच्छा ऑक्सीकारक। तो ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता क्या होगी, कम होगी। ऊपर वाला सबसे बेस्ट आ गया, मतलब नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर क्या आ गया, नीचे जाने पर घटेगी, ठीक है। तो एसआरपी बढ़ेगी तो अपचायक क्षमता क्या होगी, घटेगी। तो एसआरपी और अपचायक क्षमता क्या होंगे, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है भाई। अगर एसआरपी बढ़ेगी तो अपचायक क्षमता घटेगी, भाई ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो अपचायक क्षमता क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है, एसआरपी बढ़ रही है, ठीक है। और ऑक्सीकारक क्षमता, नीचे वाला सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है तो ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी बढ़ रही है तो ऑक्सीकारक क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये अपनी सक्रियता श्रेणी है, इससे ज़्यादा सक्रियता श्रेणी याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे हो जाएंगे अपने यहाँ पे। थोड़ा बहुत आइडिया रहा अपने को सक्रियता श्रेणी का कि भाई कौन कहाँ आता है, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे वाला स्पेशली खास यही है और खास अपने को याद है, ठीक है। तो ऊपर तो दो तीन ही बचे जो है, वो ये तो रहा है फेरस, फेरस से ऊपर है जिंक, ठीक है ना, और फिर तो ये वाले पहले और दूसरे ग्रुप वाले, ठीक है, वो सबसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है ना। अब अपने ECS, जो ये जो सक्रिय श्रेणी के वहाँ के पढ़ क्यों रहे हैं, कुछ तो काम होगा हैं कि नहीं, बस ऐसे ही कि हाँ कि तब तो याद करो, कोई काम की नहीं है अपने, ठीक है ना। तो इसके कुछ ना कुछ अनुप्रयोग है भाई, क्या क्या अनुप्रयोग है, किस प्रकार से अपन इसकी सहायता से क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अनुप्रयोग है भाई, पहला अनुप्रयोग है कि अपन क्या क्या अपचायक क्षमता और ऑक्सीकारक क्षमता की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं भाई, कौन कितना अच्छा ऑक्सीकारक होगा, कौन कितना अच्छा अपचायक होगा, कौन किसको ऑक्सीकृत करेगा, कौन किसको अपचयित करेगा, ठीक है। तो ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो एसआरपी के साथ बढ़ेगी, ठीक है भाई, एसआरपी बढ़ रही थी, ऑक्सीकारक क्षमता भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकारक था नीचे वाला सबसे अच्छा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, और जैसे ही ऊपर से नीचे गए अपचायक क्षमता क्या हुई, कम हुई, ठीक है। तो ये वाला बीच एसओपी एसओपी नाम जहाँ दिखे वो वाला भूल जाना है आपको, समझो कि मैंने बोर्ड पे लिखा ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो एसओपी और एसआरपी उल्टे होते हैं, इसलिए एक समानुपाती दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो औपचारिक क्षमता एसआरपी के व्युत्क्रमानुपाती होती है और ऑक्सीकारक क्षमता एसआरपी के समानुपाती होती है, ठीक है। तो देखो क्या है कि चार तत्व दिए गए हैं अपने को, अपने को बताना है कि इनमें से अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में जमाना है, किसके, अपचायक क्षमता के। तो एसआरपी दी गई है,
माइनस ढाई, 2.5, 1.5, माइनस 0.2 और 2.3, ठीक है। तो अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में जमानी है। अब अपचायक क्षमता जो होती है, जो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब पावर जो होगी, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, अपने हिंदी में रखते हैं अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता वो क्या होगी एसआरपी के व्युत्क्रमानुपाती। तो एसआरपी जितनी ज्यादा उतनी अपचायक क्षमता क्या कम, तो ज्यादा एसआरपी वाला पहले आ जाएगा अपने, कौन जब ज्यादा एसआरपी वाला, डी ज्यादा एसआरपी 2.3 पॉजिटिव ज्यादा है वो है, ये सबसे कम है, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, ठीक है, डी, फिर बी, फिर कौन आया सी, और फिर ए, ठीक है। अब चाहे क्षमता एसआरपी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, और बढ़ते क्रम में जमानी है, एक सेकंड, अब चाहे क्षमता, ठीक है ना, तो एसआरपी सबसे कम है ए की, तो इसकी अपचायक क्षमता क्या होगी, सबसे ए की अब सबसे ज्यादा होगी ना, अच्छा तीर ही उल्टे लगा दिए मैंने बस, ये एसआरपी का बनाया अपन ने, ये एसआरपी का है, तो अपचायक क्षमता क्या होगा अपने, अपचायक क्षमता उल्टा इसका जस्ट क्या होगा, ए सी बी डी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में जमाया आपने, ठीक है। ये तो वही बना दिया सेम, वही बना दिया वापस। अरे एसआरपी, एसआरपी सबसे कम किसकी, सबसे कम ए की है, फिर डी, अरे बढ़ते क्रम में जमाया ना मैंने, एसआरपी के बढ़ते क्रम में जमाया ना ये, ठीक है ना, अब एसआरपी सही है, इसके तीर उल्टे करने हैं, ठीक है ना, क्या होगा डी बी सी ए, ठीक है, बढ़ते क्रम में जमाया अपन, बढ़ते घटते में थोड़ा लोचा कर दिया, ठीक है। तो देखिए आगे कि भाई अब ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, अब इनमें अपने को सेलेक्ट करना है कि सबसे जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा होगा, ठीक है, अब प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा होगा, यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो, प्रबलतम ऑक्सीकारक मतलब, प्रबलतम ऑक्सीकारक मतलब क्या हुआ, जिसका खुद का क्या हो जाए अपचयन, खुद का क्या हो जाए अपचयन, ठीक है, अब खुद का अपचयन होना मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लेगा, ठीक है, दूसरा का ऑक्सीजन करेगा खुद का अपचयन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा, अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। तो अब देखो जिंक और एजी की तरफ देखो, एजी क्या है, सिल्वर धातु है, धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातु क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अब क्या करवाने हैं अपने को, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाएंगे, तो ये कभी ग्रहण करेंगे क्या दोनों, नहीं करेंगे, तो ये तो दोनों क्या हो गए आप इक्वेशन से अपने बाहर चले गए, ये तो गए दोनों, अब जितना नीचे उतना अच्छा ऑक्सीकारक, तो कौन हुआ अपना कॉपर प्लस टू, ठीक है, एजी नीचे है, बेशक एजी क्या है नीचे है कॉपर से, परंतु ध्यान रखें कि एजी है वो, एजी इलेक्ट्रॉन कभी भी लेगा नहीं, एजी प्लस होता यहाँ पे तो वो आसानी से क्या कर देता, तो एजी प्लस ऑप्शन अपना सही होता, ना कि सी यू प्लस टू, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए तीनों में चारों में Mg है, Fe है, Al है, Cu है, सारे चार्ज्ड है, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे नीचे देख लो कौन है, जो सबसे नीचे है वो अच्छा ऑक्सीकारक है, कौन है कॉपर, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे छापा कैटेगरी से आ गया ये, ठीक है। अगला देखो क्या है, इस बार भी क्या करवाना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है यहाँ पे, फ्लोरीन कर सकता है ग्रहण, एफ माइनस वो तो कर चुका, ठीक है। बी आर माइनस कर सकता है क्या, कर चुका, तो ये दोनों इक्वेशन से तो गए, गायब हुए, ठीक है। अब बचे कौन, क्लोरीन और आयोडीन, नीचे कौन है क्लोरीन, तो क्लोरीन अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला अपचायक प्रबलतम, अपचायक चारों में से अपचायक अच्छा कौन है, अपचायक मतलब खुद का क्या हो रहा है, खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, अरे अपचायक दूसरों का अपचयन कर रहा है, खुद का ऑक्सीकरण, तो इन चारों का ऑक्सीकरण हो सकता है, धातु सारे नॉर्मल स्टेट में पड़े हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है। और जितना ऊपर होगा जो उतना क्या होगा, अच्छा अब चाहे तो सबसे ऊपर इसमें से कौन है, मैग्नीशियम, ठीक है, कौन आ गया, मैग्नीशियम। यहाँ पे देखिए कॉपर प्लस टू, एम जी प्लस टू, एफ ई प्लस टू और ए जी, तो इनका क्या करवाना है, ऑक्सीकरण, इनका ऑक्सीकरण हो सकता है क्या, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर चुके हैं, त्याग चुके हैं, तो कौन बचा, भले ऊपर है नीचे है बेचारा यही अकेला है जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, त्याग सकता है, बाकी कोई भी त्याग नहीं सकता, ठीक है। अब चाहिए, ठीक है, अब त्यागने इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं क्या ये चारों, अरे ग्रहण किए हुए त्याग सकते हैं ना आराम से, ठीक है, त्याग सकते हैं। सबसे ऊपर कौन हुआ भाई, जो ऊपर है वही तो अपचायक होगा, अच्छा तो कौन ऊपर, आयोडीन, ठीक है, सबसे ऊपर कौन हुआ, आयोडीन। तो अपचायक देखना है तो ऊपर देखो, ऑक्सीकारक देखना है तो नीचे देखो, ठीक है, ऊपर अपचायक नीचे ऑक्सीकारक, तो याद तो रखना है लिथियम और फ्लोरीन, ठीक है। तो लिथियम जितना जो लिथियम के पास होगा वो लिथियम वाले गुण रखेगा, जो फ्लोरीन के पास होगा वो फ्लोरीन वाले गुण रखेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन, और भाई इनको ना भूले कि भाई यहाँ की दिख रहा है कि यहाँ की कौन सा एजी और कॉपर का, एजी नीचे आता है कि एजी सेलेक्ट कर लो, ठीक है, पर ये तो देखा ही नहीं कि एजी बेचारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। एजी तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धातु सारे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि MnM एक M प्लस एन आयन है, ठीक है, क्या करे N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देगा, M, क्या बना देगा M, तो ये जो M प्लस N जो है ये होगा अच्छा ऑक्सीकारक, क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा ये, ठीक है, ऑक्सीकारक मतलब दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा, खुद का क्या होगा इसका अपचयन होगा, ठीक है। और तो ये M क्या होगा, अच्छा अपचायक होगा, ठीक है ना, ये खुद का क्या हो सकता है इसका ऑक्सीकरण, अच्छा अपचायक, अपचायक मतलब दूसरों का भला करेगा, भला आदमी उसी को कहेंगे जो दूसरों का करेगा, ये अपचायक और ऑक्सीकारक में बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना, पता ही नहीं चलता है कि पता नहीं अपन सही, ऐसा लगता है फील आती है अंदर से कि जात सही रहे थे पता नहीं गलत कहाँ कर दिया, ठीक है ना। तो अपचायक मतलब खुद का क्या होगा उसका ऑक्सीकरण, ठीक है, नाम जस्ट अपोजिट है, ठीक है, अपचायक मतलब दूसरों का अपचयन कर रहा है, ठीक है, तो खुद का क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण, M का ऑक्सीकरण हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है, ठीक है, लेकिन M प्लस क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब देखो अगर ये अभिक्रिया दी गई है आपको, ठीक है, ये क्या दी हुई है, एक अभिक्रिया, और इसका अगर SRP जो है वो मैक्सिमम है, SRP क्या है, मैक्सिमम, तो ये जो M प्लस एन आयन जो होगा वो तो अच्छा, सबसे अच्छा क्या होगा, ऑक्सीकारक, सबसे अच्छा क्या होगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक होगा सबसे अच्छा, कौन, M प्लस एन आयन, ठीक है। और ये जो सामने वाला होगा M, वो सबसे खराब क्या होगा, ऑक्सीकारक, सबसे खराब ऑक्सीकारक। और अगर SRP क्या है, मिनिमम, सबसे कम, तो सबसे जो खराब जो ऑक्सीकारक होगा वो ये होगा, और सबसे अच्छा अपचायक
ये होगा, ठीक है। अपन आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। ऑक्सीकारक और अपचायक में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। जब तक आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट खुद के दिमाग में सेट नहीं कर पाओगे ना, कंसेप्ट क्लियर है आपके, ठीक है, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक दिमाग में सेट नहीं करेंगे ना अच्छे से, ठीक है, तब तक वो बोलने में तो गड़बड़ी आएगी, ठीक है। नहीं अब क्या ऑक्सीकार क्या करेगा कि खुद का क्या करेगा, अपचयन, खुद का क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है, दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा वो, ठीक है। तो वो हर बार ऐसे बोलने में तो ऐसे ही आएगा कि हाँ कि ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण कर देगा खुद का, ठीक है। तो अभिक्रियाएँ दी हुई है, इनके SRP दी गई है, ठीक है, उनके आधार पर ये अपने जो क्वेश्चन दिए हुए चार, इनको अपने देखना है। तो ये अभिक्रिया है I2 से 2I- इसका इनर सेल दिया गया है, ठीक है। अब अपने सबसे अच्छे ऑक्सीकारक हैं, आप चाहे देख रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो एक तो देखो SRP मैक्सिमम और दूसरी SRP मिनिमम, क्योंकि दो ही अपने काम किए, बीच वाले तो बेचारे ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कौन सी है, 1.5, ये मैक्सिमम, और ये कौन सी हुई, मिनिमम। तो अभिक्रिया है तो अपनी कौन सी, ये दो ही अभिक्रिया काम की है, बाकी वाली दोनों अभिक्रिया अपने इक्वेशन से हट चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रबलतम ऑक्सी कारक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि SRP मैक्सिमम जो है उसका ऑक्सीकारक सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, पर SRP मैक्सिमम किसकी है, इस इक्वेशन की, तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन हुआ, MnO4 माइनस। तो इसके जो सामने वाला आयन है वो क्या होगा, सबसे बुरा, सबसे खराब अपचायक होगा, सबसे खराब अपचायक। तो दुर्बलतम अपचायक कौन हुआ, Mn+2, ठीक है। अब सबसे मिनिमम जो SRP है, ठीक है, उसका ये वाला जो होगा वो क्या होगा, सबसे खराब ऑक्सीकारक, ठीक है। दुर्बलतम ऑक्सीकारक कौन हुआ, Sn+4, और Sn+2 क्या हो जाएगा, प्रबलतम अपचायक, प्रबलतम अपचायक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा स्टार्टिंग जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ते, मेरे को भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा अपचायक होगा कौन सा ऑक्सीकारक होगा, वो फिर शांत दिमाग लेके बैठना पड़ता है कि हाँ कि पक्का इसी का होगा, ठीक है, क्योंकि वो नाम ही ऐसे है कि वो डाउट ही पैदा करते हैं, सीधा नाम आया ऑक्सीकारक, डाउट आया दिमाग में कि इसका खुद का ऑक्सीकरण होगा अपचयन होगा, ठीक है। हड़बड़ाहट में तो ऑक्सीकरण ही होगा उसका, ठीक है, लेकिन थोड़ा सोचेंगे तो क्या हो रहा होगा, उसका अपचयन हो रहा होगा, ठीक है, दूसरों का ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे और अपनी जो ECS है उसके अनुप्रयोग में आता है कि धातुओं की क्रियाशीलता। अब धातुओं की क्रियाशीलता ऊपर देखोगे तो लिथियम, ठीक है, और अपन जानते हैं आवर्त सारणी में थोड़ा बहुत भी आइडिया हो आवर्त सारणी का था, तो आवर्त सारणी कहती है कि जो एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो सबसे क्रियाशील धातु होते हैं। क्या होते हैं, सबसे क्रियाशील धातु, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एस ब्लॉक तो ऊपर ही आ गया, फिर नीचे वाले बाकी दूसरे आ रहे हैं, ठीक है। तो धातुओं की क्रियाशीलता क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सबसे क्रियाशील तो ऊपर ही आ गए एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता, ठीक है ना। तो धातुओं की क्रियाशीलता SRP की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। SRP बढ़ रही है तो क्रियाशीलता घट रही है, ठीक है। SRP बढ़ रही है, क्रियाशीलता कम हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि धातु है, धातु क्या होना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, विद्युत धनी होते हैं, ठीक है, ऑक्सीकृत होना चाहेंगे, ठीक है। तो धातु की क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, तो अगर धातुओं की क्रियाशीलता घटेगी तो अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो SRP और अधातु क्रियाशीलता क्या होती है, समानुपाती, ठीक है। तो आप ये SOP वाला भले लिखा है लेकिन इसको दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि आपके कहीं ऐसा नहीं आएगा कि इंडिविजुअली ऐसे SOP पूछ ले, अगर पूछ भी लेता है तो SRP निकाल लो, उसका माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो अब आगे, जैसे कि ये एक दिया गया है, चार क्या है, अधातु है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो आयोडीन किस में टूटेगा, 2I-, ठीक है ना। दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, सारे ये ग्रहण ही करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाते हैं अपन, ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, ऊपर से नीचे बढ़ती है। फ्लोरीन तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है F2,
ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, तो ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो जैसे उल्टा ऐसे चलें तो रिडक्शन पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ रही है। यहाँ पे भी एक ही चीज़ याद रखो, आपस में क्या है, दोनों अपोजिट, एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अब अगर ऑक्सीकारक क्षमता का ऑर्डर लिखना होता, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक अच्छा कौन, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऑक्सीकारक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो सबसे कम, फिर F2, और अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करूँ मैं अपचायक क्षमता की, ठीक है, तो सबसे कम किसकी, F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, और फिर अपना I माइनस। ठीक है, तो जो फ्लोरीन जो है, ठीक है, अब फ्लोरीन क्या है सबसे अच्छा, F माइनस है, I2 क्या है सबसे अच्छा, क्या है, ऑक्सीकारक है, सबसे अच्छा क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक मतलब दूसरों का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण, दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। अब दूसरों का ऑक्सीकरण मतलब फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों को ऑक्सीकृत कर सकता है। ठीक है, क्लोरीन किसको कर सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन को, ब्रोमीन केवल आयोडीन को, और आयोडीन किसी को भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो जितना नीचा है ऊपर वालों को ऑक्सीकृत कर सकता है। ठीक है, फ्लोरीन सबसे नीचे है तो तीनों को कर लेगा। ठीक है, ब्रोमीन क्लोरीन से नीचे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का नहीं कर पाएगा, और ब्रोमीन और आयोडीन का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। ब्रोमीन फ्लोरीन और क्लोरीन का नहीं कर पाएगा, लेकिन आयोडीन का कर देगा, बेचारा बच्चा अपना आयोडीन है वो गया चला नमक के साथ में। ठीक है, बेचारा कोई भाव दे नहीं रहा था तो बन गया अपना शुद्ध आयोडाइज नमक NaCl। ठीक है ना, तो वो बेचारा ये नमक के साथ चला गया, बाकी की कोई ऑक्सीकरण तोड़ नहीं रहा था, तो कि मैं वैसे भी अकेला खड़ा हूँ, आ जाए कि तेरी शुद्धता को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो अब देखो अभिक्रियाएं दी हुई है, चार पाँच छः अभिक्रियाएं दी हुई है। तो इसमें अभिक्रिया में अपने को बताना है कि कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल है और कौन सी अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, देखो जैसे कि ये दिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बना रहा, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अगली बार मैंने अभिक्रिया दे क्या दी, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, जैसे इसकी उल्टी, तो इनमें से एक होगी एक नहीं होगी, इन दोनों में भी अभिक्रिया इसी प्रकार से दी है, एक होगी एक नहीं होगी, इनमें से भी क्या है, एक होगी एक नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला वो नीचे वाले को कभी भी हटा सकता है। ठीक है, भगवान है ऊपर, सुपर पावर, जब मन किया बेटा तेरा समय खत्म, आ जा मेरे पास। ठीक है, तो ऊपर वाला है, नीचे वाले को कभी भी हटा सकता है। तो सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर है वो नीचे वाले को कभी भी हटा सकता है, भाग भाई तेरा काम खत्म। ठीक है, अब मैं हैंड ओवर करेगा, ठीक है, मैं क्या कहते मैनेज कर लूँगा, संभाल लूँगा। ठीक है, तो ऊपर वाला भगवान के पास ताकत है कि नीचे वाले इंसान को कभी भी हटा ले, अपनी इंसान की ताकत नहीं, अपन क्या कर दे भगवान को हटा पाए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि ऊपर वाला नीचे वाले को कभी भी हटा सकता है। ठीक है, तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक का है ऊपर है कि नीचे, ऊपर, तो कॉपर को हटा सकता है ये, तो ये अभिक्रिया पॉसिबल ये होगी, तो ये नहीं होगी। ठीक है, Ag प्लस कॉपर सल्फेट, Ag कहाँ है कॉपर, और Ag कहाँ है, Ag कहाँ है कॉपर से नीचे, तो ये अभिक्रिया होगी क्या, नहीं, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर वाले को हटाने की कोशिश कर रहा है, जो होगी नहीं, तो दूसरी वाली अभिक्रिया क्या कर जाएगी, हो जाएगी। अब एक Cl2 और Ki, क्लोरीन और आयोडीन, तो बताओ क्लोरीन कहाँ है आयोडीन से, क्लोरीन का आयोडीन से नीचे, तो ये जो था वो किसके लिए था, धातुओं के लिए, किसके लिए, धातुओं के लिए। अब अधातु क्या है, दानव, अधातु क्या है, दानव, राक्षस है जो पाताल लोक में बैठे हैं। अब राक्षसों में भी क्या है, पावर है कि वो क्या कर जाए, इंसानों को ले जाए, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, मारते हैं, अपन ने बहुत देखी है सीरियल ऐसी जो पाताल लोक से राक्षस आते हैं और इंसानों को मारते हैं, त्राहिमाम करते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला अधातु जो है, अधातु मतलब राक्षस, ठीक है, धातु मतलब देवता,
ठीक है, भगवान, तो नीचे वाला क्या कर सकता है, अधातु भी क्या कर सकता है, ऊपर वाले को इंसान को हटा सकता है, कभी कभार इंद्र को भी वो अपने पैरों पे ले आ सकता है। ठीक है, तो नीचे वाले धातु अधातु में सिस्टम में क्या होगा, नीचे वाला ऊपर वाले को ले जाएगा, तो क्लोरीन आयोडीन को क्या कर जाएगा, हटा देगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन पाताल लोक से आया हुआ राक्षस भी क्या कर सकता है, इंसान को तो मार ही सकता है। ठीक है, तो अधातु है तो पाताल लोक है राक्षस है, और धातु है तो भगवान है, दोनों केस में बीच वाला ही मरना है बेचारा। ठीक है, तो याद ऐसा नहीं कहा कि अधातु ने क्या कहते हैं अधातु के धातु वाला धातु को तुमने पाताल लोक में भेज दिया, फिर कह नहीं हम तो ऊपर वाले को हटाएंगे। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है। ठीक है, और एक्सेप्शन केस है, पाताल लोक से आए हुए राक्षस भी क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को हटा सकते हैं। अधातु के केस में नीचे वाला ऊपर वाले को हटा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या हाँ मरना बीच वाले को ही है बेचारे को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार से अपन बता पाएंगे कि जो भाई किस पात्र में कौन सा विलियन रखा जाए। ठीक है, इसकी भी इसी प्रकार से अपन कहेंगे भाई कि जो SRP ऊपर जो है, जिसकी SRP क्या है, हाई, उसको तो क्या लेंगे अपन, पात्र, क्या लेंगे, पात्र, बर्तन बनाएंगे उसका, और लो SRP वाले को विलियन रखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने लो SRP का क्या रख दिया, पात्र। ठीक है, उदाहरण के लो SRP, ठीक है, अपन ने क्या लिया कि ये कॉपर का क्या ले लिया, पात्र, कॉपर का क्या लिया, पात्र, और अंदर क्या डाल दिया अपन ने, ZnSO4। तो कॉपर का है नीचे है और पात्र जिंक ऊपर है। ठीक है, तो ये तो क्या आएगी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है दिक्कत इसमें, इसमें दिक्कत होगी क्या, कॉपर जिंक को हटा नहीं सकता, तो अगर सॉल्यूशन में से नहीं हटा सकता तो कॉपर खत्म होगा क्या, नहीं होगा, कॉपर खत्म होगा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉपर सल्फेट के विलियन को कहाँ रख देते, अपने जिंक के पात्र में, तो जिंक क्या है, ऊपर है कॉपर से। ठीक है, तो कॉपर को क्या कर देगा, हटा देगा। अब जैसे ही कॉपर को इसने हटाया तो जिंक अभिक्रिया करता रहेगा सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, धीरे धीरे पात्र क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, धीरे धीरे पात्र क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो हाई SRP जो है ऊपर से नीचे जाते क्या, हाई SRP बढ़ रही है। ठीक है, तो नीचे वाला अपना क्या होगा, पात्र। ठीक है, नीचे वाला पात्र है, सही काम कर रहा है, जैसे ही ऊपर वाले का पात्र लिया गड़बड़ हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़, और ये अभिक्रिया सही जा रही है। ठीक है, तो नीचे वाला जो है वो पात्र लेंगे और ऊपर वाला क्या लेंगे, विलियन। ठीक है, ऊपर जो है लो SRP वाले ऊपर है, ठीक है, तो वो विलियन है और नीचे वाले पात्र हैं। ठीक है, आप क्या कहते हैं, ये एल्यूमिनियम का बर्तन जो है उसमें एसिड नहीं रख सकते अपन, जैसे ही एसिड रखे वो एल्यूमिनियम को गायब कर देगा। ठीक है, तो ये आपके है भाई किसको किस में रख सकते हैं और क्यों रख सकते हैं। ठीक है, ये भी इसकी एप्लीकेशन होगी। और दूसरा है कि भाई जैसे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वहाँ पे जो भी हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर, वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस दे देंगे। ठीक है, अब ऊपर है हाइड्रोजन से ऊपर है तो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब रिमूव करेंगे तो हाइड्रोजन किस में निकलेगा, H2 गैस में। ठीक है, ये भी वही कंसेप्ट है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा रहे बेचारा। ठीक है, और अगला है कि जल से हाइड्रोजन का विस्थापन, यहाँ पे भी ऊपर वाला है। ठीक है, जल से अभिक्रिया करवाई, हाइड्रोजन निकल गया बेचारा। ठीक है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया इसने सोडियम ने, क्योंकि ऊपर था, नीचे वाला कभी विस्थापित नहीं कर पाता, ऊपर वाले ने विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये जो है अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैग्नीशियम जो भी ऊपर आते हैं मैग्नीशियम से, ठीक है, वो वाले जो है वो ठंडे पानी से अभिक्रिया कर लेते हैं, मैग्नीशियम से ऊपर जो है वो ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर देते हैं। जैसे सोडियम को आप भले ठंडे में डालो, गर्म में डालो, किसी में भी डालो, वो तो फूटेगा ही, ब्लास्ट करेगा। ठीक है, तो ठंडे पानी से ऊपर वाले तो अभिक्रिया कर सकते हैं, और मैग्नीशियम से क्रोमियम जो है, ठीक है, वो वाले किस में अभिक्रिया करते हैं, गर्म जल में, और जो आयरन जो है वो किससे अभिक्रिया करता है,
वाष्प से, वाष्प के साथ ही वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा, ठंडे पानी में हाइड्रोजन गैस को मुक्त वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है कि भाई ये जल से अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम से ऊपर वाले तो ठंडे जल से ही क्रिया कर देते हैं अपने, ठीक है, इनकी कोई डिमांड नहीं, बेचारे सिंपल से सरल से। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम से क्रोमियम वाले थोड़े डिमांडिंग हो गए, ठीक है, नीचे आए, अपने SRP बढ़ रही है। ठीक है, अब SRP जैसे ही बढ़ी वो डिमांडिंग हो गए तो किससे क्रिया करेंगे, क्रिया गर्म जल से। ये ज़्यादा नीचा आ गया तो क्या किससे करेगा, वाष्प से। अब तो मैं गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करूँ, ठीक है, तो ठंडे जल से मैग्नीशियम से ऊपर वाले, क्रोमियम और मैग्नीशियम वाले गर्म से, और फेरस स्टील वाष्प से। ठीक है, अब देखिए भाई, निम्न में से दिए गए हैं आपको चार पांच अभिक्रिया, इनमें अननोन दिए गए हैं ए बी, ठीक है, ए सी डी, बी कहाँ है, बी यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, ये रहा बी, ठीक है, ये रहा बी, ये रहा डी, ये रहा ई, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनको क्या करना है कि SRP के बढ़ते क्रम में जमाना है। अपने को रूल्स पता है कि ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, ठीक है, कौन हाइड्रोजन को हटा सकता है, कौन हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना क्या करेंगे, SRP को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जो भी बढ़ते क्रम में अपन क्या कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। ठीक है, तो देखो पहले, सबसे पहले देखोगे आप कि ये जो है भाई सी जो है वो ई के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, भाई सी क्या कर रहा है, ई के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं अपना, लेकिन ये इसको हटा नहीं रहा, भाई सी ई को नहीं हटा सकता, मतलब ई सी से तो क्या है ऊपर। ठीक है, पहले क्या करें अपन, ऐसे ऐसे जमाते हैं इसी भाई SRP के बढ़ते क्रम में पहले जमाते हैं। ठीक है, तो नहीं हटा सकता ई, ठीक, ई को नहीं हटाया तो ई कहाँ है, ऊपर, और सी ई से तो पक्का होगा कहाँ, नीचे। ठीक है, अब डी हाइड्रोजन से क्रिया की डी ने, लेकिन अभिक्रिया नहीं हुई। ठीक है, तो डी कहाँ होगा, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से कहाँ होगा, नीचे। ठीक है, तो हाइड्रोजन और डी का अपने को इतना पता चला। ठीक है, अब देखो पहली जो अभिक्रिया है, ए जो है वो हाइड्रोजन को हटा पा रहा है। ठीक है, ए हाइड्रोजन को हटा पा रहा है, ना हाइड्रोजन से ए कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत तो अरेंजमेंट आ रहा है। ठीक है, सी जो है वो ए को हटा सकता है, सी ए को हटा सकता है, सी ए से भी कहाँ आएगा, मतलब ये ऐसे है। ठीक है, अब बात आई बी की, अब बाकी तो बचा कौन, बी, बाकी सारे तो दिख रहे हैं ऐसे भाई, कहाँ के ऊपर नीचे तो कौन आया। ठीक है, अब बी पे देखो, डी जो है वो बी को हटा सकता है, तो बी कहाँ आएगा, डी से भी नीचे। ठीक है, हो गया अरेंजमेंट। तो SRP का बढ़ता क्रम बताओ आप क्या होगा, सबसे सबसे ज़्यादा होगा बी का, बी सबसे नीचे है, SRP बढ़ता है नीचे जाते जाते हुए। ठीक है, सबसे कम, फिर सी ए एच टू डी और बी। ठीक है, कर सकते हैं अपन आराम से, क्यों, अपने को पता है कौन किसको हटा सकता है, कौन किसको नहीं हटा सकता। ठीक है, कहाँ ऊपर आएगा तो हटा सकता है, या नीचे आए तो आएगा तो हटा सकता है। ठीक है, अपन अपने को पता है वो, तो अपन आइडिया लगा सकते हैं किसकी SRP ज़्यादा होगी, किसकी SRP कम होगी। ठीक है, अब देखो ये अपना एप्लीकेशन में ऑलमोस्ट लास्ट है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल, ये क्या कहते हैं, ECS जो है उसमें अपन यहाँ की कब से ही कह रहे हैं कि एनोड लेंगे, इसको कैथोड लेंगे, किसको एनोड लेंगे, किसको कैथोड लेंगे, अपने को नहीं पता, इधर लेंगे या इधर लेंगे, एक बार इधर लेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो ECS आने के बाद पता चला कि जो भी अभिक्रियाँ हो रही थी, ठीक है भाई, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके पता चले, फिर उन्होंने ये तथ्य दिया है, ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है कि गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड लेते हैं अपन। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोड जो है भाई, जिस धातु का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जैसे जिंक का लिया, कॉपर का लिया, किसी का भी लेंगे अपन इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो जो जितना ऊपर होगा सक्रियता श्रेणी में, जो कितना होगा, जितना ऊपर, उसका अपन क्या लेंगे, एनोड लेंगे, क्या लेंगे, एनोड, मतलब ऊपर है, मतलब SRP क्या है, सबसे कम, तो जिसकी SRP क्या है, सबसे कम, वो अपना क्या होगा, एनोड। ठीक है, तो ये याद रखना कि जिसकी SRP कम वो अपना क्या बन जाएगा,
एनोड, क्योंकि अपने को अननोन क्वेश्चन कैसे देंगे कि भाई दो इलेक्ट्रोड दिए गए, नहीं बताया अपने को एनोड पे कौन है और कैथोड पे कौन है, दोनों के SRP अपने को गिवन है, ठीक है। तो फिर आपको ईनोड सेल निकालना है, तो आपको ये तो देखना ही पड़ेगा ना कौन कैथोड पर कौन एनोड पर, तभी तो आप कैथोड माइनस एनोड कर पाओगे, ठीक है। तो कैथोड माइनस एनोड करने के लिए पता होना चाहिए कौन एनोड है कौन कैथोड है, दोनों के SRP लिखेंगे, जिसका मान सबसे कम वो अपना क्या हो जाएगा एनोड, ठीक है। तो ये अपने हो गए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके अनुप्रयोग। अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे निर्नष्ट समीकरण के बारे में, ठीक है। बाय।